आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ स्पेसिफिकेशन बताने के लिए सैमसंग गैलेक्सी A14 5G को। इसका प्राइस रेंज लगभग 16,000 से लेकर के 21,000 के बीच में रहने वाला है, क्योंकि इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। चलिए और सारी वेरिएंट की जानकारी और इसके स्पेसिफिकेशन को हम डिटेल के साथ जानेंगे। इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन सुना था हम लोग इसके डिस्प्ले करने वाले हैं, तो इसकी डिस्प्ले 6.6 इंच की PLS LCD आती है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है और पिक्सल डेंसिटी 400 PPI है और ये वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है। हम लोग इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें जो चिपसेट है सैमसंग एक्सियोनो 1330 आता है और इसका CPU ऑक्टा कोर है और इसमें जो हाईएस्ट स्पीड है इसकी 2.4 GHz और लोवेस्ट 2 GHz। और सबसे ज़्यादा कमाल की बात ये है इसमें कि 5nm का इसका फेब्रिकेशन आता है। और हाँ, GPU की अगर बात की जाए तो इसमें मैली G68 MC4 GPU का यूज किया गया है। और रैम और स्टोरेज की तरफ चलते हैं तो रैम इसमें आती है 8GB और उससे लोवेस्ट वेरिएंट 6GB और फिर 4GB रैम। और हाँ, और इसकी स्टोरेज की बात की कर ली जाए तो इसमें जो स्टोरेज है 6GB और 8GB के साथ 128GB और 4GB के साथ हम लोग 64GB स्टोरेज यूज कर सकते हैं। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की इसकी बात करें तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता है Android 13 और कस्टम UI पड़ी है सैमसंग वन UI। अब चलते हैं हम लोग रियर कैमरा की तरफ, तो इसमें रियर कैमरा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि 3 सेटअप हैं और जिसमें से इसका पहला जो कैमरा है इसका 50MP का है, जिसका अपर्चर 1.8 वाइड एंगल कैमरा है, मतलब कि अपर्चर ठीक ठाक मज़ेदार फोटो आएगी। और सेकेंडरी कैमरा 2MP का है, जिसका अपर्चर 2.4 है और ये माइक्रो कैमरा है। और जो तीसरा कैमरा लगा हुआ है ये डेप्थ कैमरा है, मतलब कि पोर्ट्रेट फोटो खींचने के लिए, तो ये 2MP का कैमरा है और 2.4 इसका अपर्चर है। और इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो हम लोग 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग 30fps के साथ कर सकते हैं। अब चलते हैं सेल्फी वाले कैमरे यानी फ्रंट कैमरा जो हमारा है उसकी तरफ, तो इसमें एक कैमरा आ रहा है 13MP का, जिसका अपर्चर 2.0 है और ये वाइड एंगल कैमरा है। इसमें भी हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p में 30fps तक कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिसके लिए फ़ोन जाना जाता है इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में, तो इसमें डुअल सिम है और इसमें से इसका जो 5G के बैंड की बात करें तो इसमें 5G के 10 बैंड आते हैं और 4G के बैंड की बात करें तो इसमें 16 आते हैं। और वाईफाई का इसमें सपोर्ट मिल रहा है वाईफाई 5 का और इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2 आता है। और इन सब चीज़ को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें इसकी बैटरी, जो 5000mAh की लाई आयन बैटरी है, जिसको हम लोग टाइप सी केबल से 15W के चार्जर के साथ चार्ज कर सकते हैं। अगर हम लोग इस फ़ोन के सेंसर की बात करें तो इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है साइड माउंटेड आता है और जो अदर सेंसर है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको इस फ़ोन में भी अगर किसी अदर फ़ोन में आपको समझने में कोई भी चीज़ की दिक्कत होती है तो मैंने सभी पार्ट के हार्डवेयर के अलग अलग से एनिमेटेड वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें आपको डीप नॉलेज दिया गया है, तो उस पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर के पूरी प्लेलिस्ट देखिए और फ़ोन को समझने के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, आप वहाँ से सारे फ़ोन के सारे फीचर्स को समझ जाएंगे, ठीक है। और आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर आप नए व्यूअर हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन को दबा करके ग्रे कर दीजिए। रोड क्रॉस करते समय, रोड पर गाड़ी चलाते समय फ़ोन बिल्कुल भी मत चलाइए भाई, क्योंकि चल बसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दुर्घटना से बचिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।